तो हरियाणा के से मनोहर लाल खट्टर का भिवानी दौरा है आज। आपको बता दें जूही में करेंगे चुनावी रैली को संबोधित, साथ ही किसान सभा प्रतिनिधि मंडल सीएम खट्टर से भी मिलेंगे। जूही में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नजर आएंगे सीएम मनोहर लाल खट्टर, किसान सभा प्रतिनिधि मंडल से भी मुलाकात करेंगे। हरियाणा के सीएम का भिवानी दौरा आज, बड़ी खबर के साथ आपको बता दें। बड़ी खबर, तो हरियाणा के सीएम खट्टर का आज भिवानी दौरा है, साथ ही जूही में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे और किसान सभा प्रतिनिधि मंडल से भी सीएम मनोहर लाल खट्टर मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। चुनाव नजदीक है, ऐसे में हरियाणा में रैलियों का सिलसिला भी जारी है और इसी बीच सीएम मनोहर लाल खट्टर का ये भिवानी दौरा, जहां वो रैली को भी संबोधित करेंगे, साथ ही जूही में रैली को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। और बात की जाए किसान सभा प्रतिनिधि मंडल की, तो उनसे भी सीएम मनोहर लाल खट्टर मुलाकात करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम मनोहर लाल खट्टर किसान सभा प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करेंगे, साथ ही जूही में रैली को संबोधित करेंगे। आज उनका भिवानी दौरा है, तो जनता से रूबरू का जो सिलसिला है वो जारी है। लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, ऐसे में हर एक पार्टी कोशिश कर रही है जनता को लुभाने की, और इसी कड़ी में अब सीएम मनोहर लाल खट्टर का आज भिवानी दौरा। साथ ही आपको बता दें कि अगर हम कल की बात करें तो कांग्रेस की ओर से भी जो रैलियों का दौर है वो जारी है। राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित करा, जनसभाओं को संबोधित करा, वहीं आज सीएम मनोहर लाल खट्टर की अगर बात करें तो जूही में भी वो रैली को संबोधित करेंगे। साथ ही किसान सभा प्रतिनिधि मंडल से भी मुलाकात करेंगे। सीएम मनोहर लाल खट्टर का चुनावी दौरा आज भिवानी में है, ये दौरा किसान सभा प्रतिनिधि मंडल से सीएम मनोहर लाल खट्टर मुलाकात करेंगे। जिस तरीके से हरियाणा में किसानों की समस्या जो है वो बरकरार है, यही वजह है कि अब किसानों से मुलाकात की जाएगी, किसानों की समस्याओं को सुना जाएगा और चुनाव में नजदीक है। वही तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इंद्रवेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंद्रवेश, क्या कुछ जानकारी सीएम मनोहर लाल खट्टर के दौरे को लेकर? मुख्यमंत्री जी का जो दौरा है आज का, वो 5 विधानसभा क्षेत्रों का जो है प्रतिनिधित्व करते हुए ये दौरा रहेगा, और 5 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। और ये कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से जिस प्रकार से चुनाव को लेकर के, और इसमें मुख्य तौर पर इन दौरों को ले ये जो है भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र से जो भाजपा सांसद रणवीर सिंह हैं वो इनकी तैयारियों में लगे हुए थे। तो इस दौरे को देख करके ये जो भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र से जो उम्मीदवार रणवीर सिंह को घोषित किया जा सकता है, इस तरह की कसाए भी इस रैली को लेकर के लगाए जा रहे हैं। और इसको लेकर के जो 500 हलकों के कार्यकर्ता जो है वो जुड़े हुए हैं। जी इंद्रवेश, तमाम जानकारी देने के लिए आपको शुक्रिया। सीएम खट्टर का चुनावी दौरा भिवानी का आज दौरा है। तो सीएम खट्टर का चुनावी दौरा है आज, और अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में पूरी कोशिश की जा रही है जनता को लुभाने की, जनता से संपर्क करने की, जनता की समस्याओं को जानने की। जहां एक ओर कैंपेन चलाया जा रहा है, अभियान चलाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर मुलाकातों का सिलसिला भी है। किसान प्रतिनिधि मंडल से सीएम मनोहर लाल खट्टर मुलाकात करते हुए नजर आएंगे, उनकी समस्या को जानेंगे। अब चुनावी माहौल है, ऐसे में किसानों की समस्या को जानना भी जरूरी है। तो हर एक पार्टी पूरी कोशिश कर रही है चुनावी रण में उतरकर जनता से रूबरू होने की, जनता की समस्याओं को सुनने की। हालांकि देखना लाजमी होगा कि कौन सी पार्टी चुनावी रण में रास्तिलक कराती है। इससे पहले की अगर बात की जाए, राहुल गांधी भी हरियाणा में दिखाई दिए, एकजुटता दिखाती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है, परिवर्तन बस यात्रा निकाली जा रही है। दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि उन्हें एकजुटता दिखाने की जरूरत ही नहीं, वो शुरू से ही एकजुट हैं।